तरीके से स्पष्ट है कि नवजोत सिंह सिद्धू को उनका पुराना विभाग देने के बिल्कुल भी पक्ष में नजर नहीं आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो उनका आक्रामक रूप रहा है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी की हैं, वो परेशानियां काफी बड़ी रही, जिसको लेकर अमरिंदर ने कई बड़े बदलाव किए पार्टी में, साथ ही साथ उन्होंने बदलाव किए पंजाब में, साथ ही साथ उन्होंने बदलाव कर दिया सिद्धू के विभाग में। जी हाँ, उनको निकाय विभाग की जगह बिजली विभाग दे दिया। उसके अलावा आपको बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि सिद्धू तो अपना आखिरी फैसला सुना चुके हैं और दूसरी तरफ अमरिंदर का भी लगभग आखिरी फैसला आ ही चुका है। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अमरिंदर इस बात पे अड़ गए हैं और उनका आखिरी फैसला यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को उनका पुराना विभाग नहीं दिया जाएगा। और इस तरफ सिद्धू अब नए ही मसले को लेकर अड़ गए हैं। सिद्धू जो है पार्टी में एक अच्छा ओहदा चाहते हैं, एक अच्छा पद चाहते हैं, बड़ा पद चाहते हैं, जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ये साफ कह चुके हैं, अपना अंतिम फैसला आखिरी फैसला तक सुना चुके हैं कि अगर उनको पार्टी में बड़ा पद नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके से शायद चुप रहेंगे जिस तरीके से वो अभी चुप हैं। तो इसके बदले अब बड़ी बात ये है कि भाई जिस तरीके से पार्टी ने अहमद को जो है इन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए खड़ा किया था, अब अहमद भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि एक तो अमरिंदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, दूसरी तरफ सिद्धू जो हैं वो दिल्ली में इधर थे, तो वहीं बड़ी बात ये रही कि अब अहमद जिनको इन दोनों के बीच चंडीगढ़ भी उनके पहुंचने की खबर थी, लेकिन खबरों के अनुसार वो चंडीगढ़ भी नहीं पहुंच पाए और इन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, और साथ ही साथ खबर इस तरह की रही कि राहुल गांधी ने इन दोनों की सुलह कराने के लिए, यानी कि अमरिंदर और सिद्धू की सुलह कराने के लिए अहमद को आगे किया था, लेकिन अब इसका असर भी साफ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी बात यह है कि सिद्धू जो बड़ा अब पद चाहते हैं उनको वो पद नहीं मिलता है, तो ऐसा लग रहा है कि अपना खुद का विभाग जो उनको नया विभाग दिया गया था वो तक नहीं संभाल रहे हैं वो। तो आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरे तरीके से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है इन दिनों सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच और कांग्रेस में। लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब मंत्रिमंडल में कई सारे फेरबदल कर दिए और तो और पंजाब मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल के बाद से मुखर हुआ कैप्टन सिद्धू विवाद सुलझने के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे। खैर, विवाद को शांत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान द्वारा हालांकि सीनियर लीडर अहमद पटेल की ड्यूटी जरूर लगाई गई, उन्हें सोमवार को चंडीगढ़ आना भी था लेकिन एंड वक्त पर उनका दौरा चल गया। और तो और सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल इस मामले में कुछ भी करना नहीं चाहते और अहमद पटेल से मुलाकात टालने के लिए उन्हें सूचित कर दिया गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। और तो और ये सूचना मिलने के बाद अहमद ने सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करने का प्रोग्राम रद्द कर दिया। खबरों की मानी जाए तो दूसरी तरफ अपना निकाय विभाग बदले जाने से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू भी पिछले 3 दिन से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, जिसके कारण ये भी संभव नहीं था कि अहमद पटेल सिद्धू को साथ लेकर कैप्टन की रिहाइश पर ही उनसे बात कर पाते। खैर, ये जो मसला सुलझाने के लिए अहमद पटेल का नाम लगातार सामने आ रहा था, अभी तक तो अहमद पटेल द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस से खफा जरूर चल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। एक तो वो बड़ा पद चाहते हैं, दूसरी बड़ी बात ये है कि जब से उनका विभाग बदला गया है उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और उनकी नाराजगी इस बार बिना कुछ कहे ही दिखाई दे रही है। दरअसल सिद्धू जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वालों में से हैं, वो भी वहां से भी गायब होते हुए नजर आए। खैर, कांग्रेस सूत्रों की अगर मानी जाए तो अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पनपे विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर के दोनों ने के कुछ नजदीकियों नेताओं ने कई प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि सिद्धू भी अब अड़ गए हैं और सरकार में अपनी प्रमोशन के तौर पर डिप्टी CM का पद लेने की बात कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही कैप्टन की पिछली सरकार के समय हुआ था, जब भट्टल ने कैप्टन के विरोध में दिल्ली में डेरा डाल दिया था और विवाद सुलझने के बाद उन्हें डिप्टी CM का पद दिया गया था। हालांकि चर्चा ये भी है कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस प्रधान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अब देखते हैं कि आखिरकार फाइनली पार्टी का फैसला क्या रहता है सिद्धू पर, लेकिन ये बात साफ है कि
नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर के बीच विवाद अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये विवाद कब तक थमेंगे इस बात की अभी तक कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है।